हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे 92 ईयर्स ऑफ डांडी मार्च। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि डांडी मार्च न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली 12th ऑफ मार्च को डांडी मार्च के 92nd एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया था। इससे पहले याद कीजिए 1930 में ये स्टार्ट हुआ था। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि डांडी मार्च क्यों स्टार्ट हुआ, इसके बैकग्राउंड क्या थे या फिर इसके सिग्निफिकेंस क्या हुए, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम डांडी मार्च के विषय में समझ लेते हैं। डांडी मार्च, देखिए बैकग्राउंड को समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर डांडी मार्च स्टार्ट क्यों हुआ था। तो देखिए, डांडी मार्च स्टार्ट होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1882 में एक साल्ट एक्ट लेकर आया गया था। इस साल्ट एक्ट में, जो अभी तक समझिए जितने भी इंडियंस थे उनके लिए साल्ट फ्रीली एक्सेस में था, मींस को कोई कहीं भी जाकर साल्ट बना सकता था। तो 1882 के एक्ट में गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि अब जो मोनोपोली होगी पूरी की पूरी साल्ट पे, वो ब्रिटिशर्स की होगी। मींस जो मैन्युफैक्चरिंग होगा या फिर कलेक्शन वगैरह होगा, इन सारे चीज़ों पर पूरा का पूरा अधिकार हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। मीन्स अब आप चाह कर भी कहीं से साल्ट बना नहीं सकते हैं, या फिर अगर आपको साल्ट टैक्स देना पड़ता है ख़रीदने वगैरह पर भी। तो यहाँ से बात निकल कर आई कि साल्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समझिए हर घर में यूज होने वाला चीज़ है, तो इसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था। देखिए, दांडी मार्च के पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि 26 जनवरी को 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, जिसको और ज़्यादा तेज़ करने का काम दांडी मार्च ने किया। दांडी मार्च इसी साल जो एक्ट था उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने 12th ऑफ मार्च को 1930 को अपने साबरमती आश्रम से ये पदयात्रा शुरू की थी, और 6th ऑफ अप्रैल 1930 को ये पदयात्रा कंप्लीट हुई थी उनकी। वहाँ पर जाकर इन्होंने दांडी में साल्ट बनाया और जो साल्ट एक्ट था उसको, कानून को तोड़ा। इसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स ने उन्हें गिरफ्तारियाँ वगैरह की, उसे हम बाद में देखेंगे। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ दांडी मार्च, और दांडी मार्च स्टार्ट हुआ उसके इम्पैक्ट क्या हुआ उसके भी से हम समझते हैं। जरा देखिए, देखिए अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो इससे पहले हमने देखा था कि 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, जो मास लेवल पे पूरे पैन इंडिया में सभी लोगों को मूवमेंट से नहीं जोड़ पाया था। लेकिन अगर दांडी मार्च की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या रही कि जो वीमेंस पार्टिसिपेशन थी मूवमेंट में वो बढ़ चढ़ कर आगे आई। वीमेंस बहुत आगे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट की। फिर जो स्टूडेंट्स थे या फिर जो वर्कर थे, या सबसे अच्छी बात ये रही कि जो अर्बन एरिया के लोग थे उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसे बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड किया पूरे अक्रॉस द इंडिया, पूरे पैन इंडिया में। और यहाँ से समझिए जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था वो और स्ट्रॉन्ग होता चला गया, और धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया था कि इंडिया से जाना ही उनके लिए ज़रूरी है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our Current Affairs classes.